हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश। जैसे ही मैंने पिछले अपने वीडियो में बाबर की बेगम यानी शुएब अज़क का जिक्र किया कि भाई ये इसने अभी तक कोई ट्वीट नहीं डाला है पाकिस्तान की जीत पर, फौरन बाबर आजम की बेगम जो पहले ही तेल लगा के सो गई थी कि आज हमारे मियां जी आके हमको पेलेंगे बहुत तरीके से, तो इन्होंने ट्वीट कर दिया है तुरंत जग के और भारी मन से इन्होंने ट्वीट किया। मैं जानता हूं कि पत्थर रख के इन्होंने ट्वीट किया है कि वेल डन हमारे सैया कैप्टन बाबर, यू हैव अचीव्ड अनदर माइलस्टोन, आपने अपने जीवन में अपने करियर में एक और नया मुकाम हासिल किया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 सालों के बाद जो है सीरीज जीती है ओडीआई में, वो भी बाबर आजम की कैप्टेंसी में। तो फाइनली हमारी पुकार बाबर की बेगम शोएब जट ने सुन लिया है और इसके बाद जो है ट्वीट कर दिया है। देखिए क्या है ना, शोएब जट पाकिस्तान वैसे इसलिए जीता है, मैं इसके रीजन आपको बताता हूं, क्योंकि ये न्यूजीलैंड को जो है सपोर्ट कर रहा था। आप इसी तरीके से न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते रहिए, बाबर आजम के चेहरे पे इसी तरीके से जो है स्माइल आता रहेगा, क्योंकि बाबर आजम के हेटर्स की जो है पाकिस्तान में कमी नहीं है। पूरा का पूरा कराची मीडिया के जो आज ट्विटर हैंडल है ना, एकदम से साइलेंट है, शॉक में, एकदम से शॉक लगा, अरे ऐसे कैसे हो गया, हमने तो ये सोचा था कि 2-1 आज हो जाएगा, लेकिन ये तो 3-0 हो गया। अब दो और जीत हासिल कर लिया तो पाकिस्तान फिर तो नंबर 1 टीम बन जाएंगी, तो अब वापस जो है ये लोग काम पे लग जाएंगे। आपको बता दें कि कल मुकाबला है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, चौथा मुकाबला है, और अभी तक यार ना सीरीज में एक भी बाबर आजम की सेंचुरी नहीं देखी है ना, तो मन नहीं लग रहा, वरना पेलते बहुत अच्छे तरीके से कराची के हेटर्स को। कोई बात नहीं है, कप्तानी में जब बल्ला ऐसा नहीं कि बल्ला नहीं चल रहा है, बल्ला चल रहा है भाई, जबरदस्त बल्ला चल रहा है। 54 रन बनाया पिछले मैच में भी, इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई तो उससे पहले 49 रन इन्होंने बनाया हुआ था, ऐसा नहीं है कि बल्ला नहीं चल रहा है, चल रहा है। लेकिन बाबर आजम ने जो अपना लेवल हाई कर रखा है ना यार, सोचते हैं कि जब भी बंदा उतरता है यार सेंचुरी बना दो, यार सेंचुरी बना दो, सेंचुरी बना दो यार। लेकिन कोई बात नहीं है, 2 मैच और बाकी है, सेंचुरी ना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाबर आजम बस इसी तरीके से मुस्कुराते रहे, मेरा दिल तो वैसे ही गार्डन हो जाता है यार इनके चेहरे पे स्माइल देख के। देखो क्या है ना कि भले ही इंडियंस नफरत करते हो इनसे, लेकिन मन ही मन ये बात जरूर जानते हैं कि यार इस बंदे में दम तो है यार, मतलब इनकी बल्लेबाजी इतनी एलिगेंट, उफ कवर ड्राइव मार देने तो एकदम लगता है चुम्बेश्वरी शॉट इन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा बाबर आजम की सबसे जो है अभी तक की खास बात यह रही है कि इनको जो लोग बोल रहे थे कि इनको ओडीआई कैप्टेंसी नहीं आती, भाई साहब विनिंग परसेंटेज 75% है, और आप वर्ल्ड कप से पहले इनको हटा के सरफराज को कप्तान बनाना चाह रही थी कराची मीडिया माफिया, वो होने वाला नहीं है। ये लोग प्रे कर रहे थे कि बाबर आजम ये सीरीज हार जाए। अब आप कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई देखो न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ जो है बाबर जीत गया, तो चूतिए सी टीम के खिलाफ हो या बी टीम के खिलाफ हो या जेड टीम के खिलाफ हो, कोई भी टीम, मतलब क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी हसरतें तुम्हारी आकांक्षाएं अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो उसको सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी बाबर आजम ने ही ली है क्या, तेरा संज्ञा है क्या, बताओ तो क्या उनसे हार जाए क्या? तुम तो यही मनाते रहते हो कि पाकिस्तान हारे तो बाबर आजम को हम अच्छे तरीके से जो है ट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा होने से रहा, 2 मैच और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तेल लगा के देते रहेगा। धन्यवाद।